बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। टॉप कॉन एंड सोकियो टूर स्टेशन की एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। पिक्चर के मुताबिक मैं अपने टूर स्टेशन को कंप्लीट बबल एंड सेंटर करने के बाद 6.6 मीटर डिस्टेंस पर अपने प्रिज्म को सेट करूंगा। टूर स्टेशन को कंप्लीट सेंटर एंड बबल करने के लिए जो मैंने सेंटर में स्टील लगाया है, वहाँ से मीटर के साथ 6.6 मीटर डिस्टेंस पर मैंने दूसरा स्टील लगाया है, जिसके ऊपर मैं अपना प्रिज्म रॉड सेट करते हुए अपने काम को स्टार्ट करूंगा। टॉट स्टेशन के सेंटर से 6.6 मीटर के फासले पर मैंने जो दूसरा स्टील फिक्स किया है, उसके ऊपर लाकर मैंने अपने प्रिज्म रॉड को स्टैंड से अटैच करके अच्छे तरीके से बबल करके रख लिया है। नेक्स्ट जो प्रिज्म यूज़ किया है, मैं उसकी इन्फॉर्मेशन आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने सोकिया का एक प्रिज्म यूज़ किया है जिसकी कांस्टेंट वैल्यू -30 mm है। तो यहाँ आप प्रिज्म की साइड पोजीशन देख रहे हैं कि हमारे प्रिज्म में जो -30 mm ऑफसेट है वो किस वजह से है। रॉड के सेंटर से एक एक्स्ट्रा पीस ऐड किया गया है जो कि हमारा प्रिज्म है। ये प्रिज्म हमारे रॉड के सेंटर से 300 mm आगे आया हुआ है, जिसकी वजह से इसकी कांस्टेंट वैल्यू हमें -300 mm दी गई है। रॉड के सेंटर से लेकर जिस जगह पर हमारी टूथ स्टेशन प्रिज्म के अंदर रीड करती है, वहाँ तक हमें 3 सेंटीमीटर दिया गया है। इसी 3 सेंटीमीटर को फॉलो करते हुए हमें कांस्टेंट वैल्यू -300 mm दी गई है। चलते हैं टूथ स्टेशन की तरफ। तो टूथ स्टेशन में सबसे पहले हमें ये मेन पेज नज़र आ रहा है। मेन पेज से हम आउट होने के लिए एस्केप बटन प्रेस करते हुए फंक्शनल पेज में आ जाएंगे। फंक्शनल पेज में हमारा सबसे पहला फर्स्ट पेज डिस्प्ले हो रहा है, तो पेज चेंज करने के लिए हम फंक्शन की प्रेस करेंगे तो हमारा सेकंड पेज डिस्प्ले हो जाएगा। सेकंड पेज में हमें ETM के लिए F4 की प्रेस करनी है, उसके बाद हमें EDM की सेटिंग करनी है। तो EDM में सबसे पहले हमें मूड फाइन ऐसे ही रखना है, और उसके बाद रिफ्लेक्टर सेलेक्ट कर लेना है। रिफ्लेक्टर में हम प्रिज्म सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि एन प्रिज्म यानी नॉन प्रिज्म शीट वगैरह हमने सेलेक्ट नहीं करना, क्योंकि हम प्रिज्म से काम कर रहे हैं। इसलिए हम प्रिज्म को सिलेक्ट करते हुए मैं सबसे पहले अभी अपने प्रिज्म की कांस्टेंट वैल्यू 0 रखते हुए अपने टूथ स्टेशन से फर्स्ट डिस्टेंस को रीड करूंगा। एस्केप बटन प्रेस करने के बाद हमें हमारे प्रिज्म की कांस्टेंट वैल्यू हमारे पेज 2 पे शो हो रही है, जो कि मैंने 0 सेलेक्ट किया है। उसके बाद मैं अपने टूथ स्टेशन के आईपीस को यूज़ करते हुए अपने टूथ स्टेशन को प्रिज्म के सेंटर में सेट कर रहा हूँ। टूथ स्टेशन को प्रिज्म पर कंप्लीट सेट करने के बाद अब हम अपनी कांस्टेंट वैल्यू 0 के साथ अपने प्रिज्म को रीड करेंगे। प्रिज्म को रीड करने के लिए हमने मेजरमेंट के ऑप्शन में जाना है। उसके लिए हम फंक्शन की इस्तेमाल करते हुए अपने पेज को चेंज करेंगे तो हमें मेजरमेंट का ऑप्शन नज़र आ जाएगा। मेजरमेंट के ऑप्शन के लिए अब हम F1 की प्रेस करेंगे तो हमारा टूथ स्टेशन हमारे प्रिज्म को रीड करना स्टार्ट कर देगी। तो हमारी टूथ स्टेशन ने प्रिज्म को रीड किया है, जहां HD लिखा हुआ है। HD का मतलब है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमें 6.628 रिसीव हुआ है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टेंट वैल्यू 0। नेक्स्ट अब हम टूथ स्टेशन और प्रिज्म रॉड को एज इट इज़ ही रखे हुए EDM सेटिंग में जाकर अपने रिफ्लेक्टर की कांस्टेंट वैल्यू -30 सेलेक्ट करेंगे। तो मैं अपने प्रिज्म की कांस्टेंट वैल्यू -30 इंटर कर रहा हूँ। कांस्टेंट वैल्यू इंटर करने के बाद हम एस्केप बटन प्रेस करते हुए फंक्शनल पेज P2 पे चले जाएंगे, तो वहाँ हमें हमारा सिलेक्टेड रिफ्लेक्टर शो हो जाएगा, जिसकी कांस्टेंट वैल्यू हमें -30 शो हो रही है। हमारी टूथ स्टेशन प्रिज्म पर ऑलरेडी सेट हुई हुई है, इसलिए जस्ट हम
मेजरमेंट के लिए F1 की प्रेस करेंगे तो हमारी ट्रुथ स्टेशन हमारे प्रिज्म रॉड को -30 कांस्टेंट वैल्यू के मुताबिक रीड कर लेगी। कांस्टेंट वैल्यू 0 के मुताबिक और कांस्टेंट वैल्यू -30 के मुताबिक दोनों डिस्टेंस रीड करके मैंने आपको डिफरेंस शो कर दिया है। यह थी मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। शुक्रिया।